अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। गोश्त को मेरीनेट करना पड़ता है। हमने यहाँ पर लिया है 4 kg गोश्त है हमारे पास और 5 kg चावल हैं हमारे पास, जो हम बनाने जा रहे हैं। काफ़ी तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारे गोश्त को मेरीनेट होते हुए। मेरीनेट में हमने क्या घर का मसाला इस्तेमाल किया है? नींबू वगैरह है, दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, बाकी घर के जो आपके किचन के मसाले हैं वो सभी डालने हैं आपने इसमें। सदके 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 अम्मा, सदके अम्मा, सदके। माशाल्लाह से देखे, ताज़ा ताज़ा नींबू मेरी बेटी तोड़ के लेकर आई हैं, ज़बरदस्त। और ये चावलों में बहुत मज़ा करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो टमाटर, और बची गई हुई थी नींबू तोड़ने के लिए। जब तक ये नींबू तोड़ कर आई, मैंने जल्दी से प्याज काट लिए और टमाटर मैंने गोल गोल काट लिए। 2 मेरे टमाटर रह गए काटने वाले। उसके बाद हम चावल करेंगे बॉयल। चूल्हा पानी मैंने चढ़ा दिया चावलों का। इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता। बस बहुत है तेज पत्ता। और इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची, लौंग, फूल, दालचीनी, काली मिर्चें और ज़ीरा थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम घी डालेंगे ताकि चावल जुड़े ना आपस में। यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया 2 चम्मच, दालचीनी है, बड़ी इलायची है 3 अदद, लाल काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अभी हम चावल बॉईल करेंगे। अभी हम डालेंगे इसमें घी ताकि हमारे चावल जुड़े ना। बस बहुत है ताकि चावल ना हमारे जुड़े। हमने खुशबू के लिए ली है छोटी इलायची 10 दाने, और ये डालकर हम मैंने इसमें ढकना दे देंगे ताकि खुशबू आ जाए। माशाल्लाह से पानी में हमारे हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। अच्छा, इसमें मैंने नमक पहले डाल दिया है, थोड़ा सा चिकन में भी नमक लगा हुआ है, हम बाद में नमक थोड़ा डालेंगे। माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हो गए, और अभी हम इनका निचोड़ लेंगे पानी। अच्छा,
माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। हमने दो जगह करे थे क्योंकि पतीला उठाया नहीं जा रहा था, पतीला बहुत ज़्यादा वजनी हो गया था। देखे चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं जुड़े। चावल वहाँ पे हमने खुशक होने के लिए रख दिए और जो हमारे चिकन मेरीनेट थी वो हमने अब भूनने के लिए रखनी है। प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करके आधे हम निकालेंगे, आधे छोड़ देंगे पतीले में चिकन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पतीला हमारा दोबारा चढ़ गया है, इसमें से चावल हमने सारे निकाल लिए हैं। इसमें डालेंगे अभी हम घी। अक्सर बहनें कह रही होती है कि राबिया कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर, यहाँ पे कुकिंग ऑयल मिलता है लेकिन सही नहीं मिलता, इसकी वजह से हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्याज जो कटे हुए हैं हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से प्याज ब्राउन कर लेंगे, आधे निकाल लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसमें से हम आधे प्याज निकाल लेंगे जो हमें चावल की तह में चाहिए। हमारा प्याज भी और लहसुन भी पक गया है हमारा, इसमें डालेंगे हम चिकन। कुछ हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और कुछ हरी मिर्च हम तह के लिए रखेंगे, बस ये बहुत है। और टमाटर मैंने आधे इसमें डाल दिए और आधे मैंने तह के लिए रख दिए। सिरका मैंने इसके अंदर खुशबू के लिए डाला है और धनिया भी हमने इसके अंदर डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी हैं और कुछ धनिया हमने बचाया है तह पे तह लगाने के लिए। माशाल्लाह से चिकन को गलाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसे पानी डाल के, ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। मसाला हमें ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमने तह पे तह लगानी है चावल। चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं और बस हमारे चिकन गलने की देर है और फिर हम इसे तह पे तह जल्दी से लगाते हैं। माशाल्लाह से चिकन हमारी देखें कितनी अच्छे से तैयार होगी और चिकन ने घी छोड़ दिया और देखें मसाला बिल्कुल फटना शुरू हो गया और यहाँ से निशानी होती है कि आपकी चिकन गल गई है और मसाला भी तैयार है। ज़बरदस्त गल गई हमारी चिकन। अभी लगाते हैं हम इसे दम चावलों को। माशाल्लाह से अब हम इसमें सारे चिकन निकाल लेंगे, इसके नीचे बिछाएंगे हम चावल की तह और बीच में करेंगे हम चिकन की तह, उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे, फिर उसके ऊपर हम सारा मसाला डाल देंगे। यहाँ पे एक तह हमने चावलों की लगा दी है, सेंटर में हम इसके चिकन पूरी डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमने सारी पतीला पूरा ही उलट दिया इसमें और इसे हमें ना इसे चमचे की मदद से ना पूरे में फैला ले ताकि मसाला हमारा एक जगह ना रहे, चारों तरफ हो जाए हमारे मसाला। चावलों की तह लगाएंगे। ये नींबू हैं और टमाटर हमने कुछ अंदर डाल दिए थे और कुछ हमने ऊपर सजावट के लिए रख दिए हैं। ये अच्छे लगते हैं बिरयानी में, जायका देते हैं और इसे हम दम लगाएंगे, देगी दम लगाएंगे हम इसे।
मेरे पास पुदीना नहीं है इसलिए मैंने पुदीना नहीं डाला। हमारे विलेज में मिलता भी नहीं है पुदीना। ये मेरे प्याज हैं ब्राउन किए हुए। आज मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई। दुआ करना कि बिरयानी मेरी लाज रख ले। हमारे विलेज में देख को इसी तरह से दम लगता है। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़े। ये देखें और अभी हम बुलाते हैं मौलवी को और अपने ही दम दिल वो ख़त्म दिलवाते हैं चावलों को। आ जाएं जी जिसने खानी है। हाँ जी फिर ना कहना कि हमें बिरयानी नहीं खिलाई। लेग पीस तो जी ये था बेगम साहबा का फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहली दफ़ा आज बिरयानी बनाई है। आज बिरयानी बनाई है फर्स्ट टाइम। वीडियो का लास्ट है। मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मजदूर हमारा अभी आया कहने लगा तुम्हारा कितनी देर है हमारा दम निकलेगा। अल्लाह पाक जी इसको मजीद हिम्मत दे मजीद ताकत दे। और अभी इसको डिश आउट तो करो। डिश आउट करती हूँ और मौलवी को बुलाओ। हाँ जी माशाल्लाह से फर्स्ट 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 एक्सपीरियंस था मेरा। बैक कमेंट मत करना इंशाल्लाह सीखते सीखते बंदा सीख जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री मजदूरों को दे दिए अद्दी को भी दे दिए और अद्दी के बच्चों नहीं इनका बैठने का देखो चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे ये कह रहे बस हमें यही दे दो हम यहीं पे हर फन मोला है। चारपाई तो बैठी हुआ ना बस यही ठीक है इतना ही ठीक है। अद्दी के लिए मैंने बाल्टी में निकाल दिया बच्चों के लिए अद्दी बैठ के खा रही है। कारी साहब को भी हमने खत्म के चावल बोने दे दिए तो अभी विलेज में बांटेंगे हम। यहाँ लेंगे हम आपसे इजाज़त के जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे खुशियाँ खुशियाँ बांटे बांटते रहे। मिलेंगे किसी अच्छी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़ के बाद फिर से हाजिर हुए। मदरसे के बच्चों की छुट्टी थी लेकिन हमारे विलेज के बच्चों की छुट्टी नहीं है। मैंने सबके घर भिजवाया भी और सब वो मस्जिद में आए थे तो फिर इनको भी बुला लिया इधर। खाओ खाओ मजे करो खाओ। एक कह रहे चाची हम जब शाम में घर जाएंगे ना हम खाना नहीं खाएंगे। चलो जी यही तो है ना मिल बांध के खाना। हाँ जी।